तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लडी मैरी चैलेंज के साथ। जैसा कि आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं 11:59 हो रहा है। डर लग रहा है मैं तेरे गमने के आगे से अब घुसूंगा भी नहीं। ये वाले खोल दे। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हॉरर लाइट ब्लडी मैरी। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फिलहाल गाइस अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है टेरेस पे। सो गाइस अभी गई हुई है लाइट और व्लॉग मेरे को बनाना था अर्जेंट, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं, वैसे भी आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल लिख के आप लोग समझ गए कि क्या आज क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लडी मैरी चैलेंज तला के साथ। तो तला तेरे को कैसा लग रहा है? वैसे भी इसने बताया था मेरे को ब्लडी मैरी चैलेंज करने की बात, तो मैंने उससे कहा था चैलेंज चैलेंज करे, और उसने यूट्यूब पे चैलेंज चैलेंज करने के पहले इसको पता नहीं था क्या होता है, तो मैं उसको यूट्यूब पे दिखाया। मैंने इसको यूट्यूब पे दिखाया चैलेंज चैलेंज क्या होता है, तो उसको बहुत डर लगा। मैंने कहा ये नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा फिर से कर, मैंने कहा कि ब्लडी मैरी चैलेंज करते, तो इसने कहा चलो ये करेंगे। तो ब्लडी मैरी चैलेंज होने वाला है आज। बाकी गाइस आज गई हुई थी लाइट, इस वजह हम लोग को ऊपर अर्जेंट ब्लॉग बनाना पड़ा, और ब्लडी मैरी चैलेंज करते रहते शायद 2 से 3 बजे करते, लेकिन हम इतने देर नहीं, हम करेंगे 12 बजे। हम 12 बजे करने वाले हैं, रात के 12 बजे। बाकी गाइस अभी ब्लॉग की शुरुआत हो गई, जैसे मैं वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी आप लोग आज के सामने मौसम देख सकते हैं, अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी भी इतनी तेज धूप है। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आखिरी बार बारिश ईद की चांद रात को हुई थी, उसके बाद से आज तक अभी तक बारिश ही नहीं हुई। और क्या चला कितनी गर्मी पड़ रही है कानपुर में आजकल, कितना डिग्री पहुंच जाता है? 48.9 डिग्री सेल्सियस था, 47 डिग्री सेल्सियस था, 0.6। और आज कितना था? आज भी 44 या 45 था, आज नहीं था लेकिन आज 45 या 46 था। हाँ भाई, बाकी गाइस इतनी गर्मी पड़ ये। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं कैंडल लेने, क्योंकि ब्लडी मैरी चैलेंज के लिए कैंडल बहुत ज़रूरी होता है, तो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं कैंडल लेने। बाकी तला तू थोड़ा बहुत तो डर रहा होगा। बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ गाइस। देखो अगर हम दिन में करेंगे तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और अब वो आएगी भी नहीं, और रात में करेंगे। मैं गाइस ये बहुत बड़ा पागल है, ये कह रहा था 3 बजे करेंगे मज़ा आएगा, मैंने कहा फिर तू अकेले कर लियो, मैं इसने कहा चल फिर 12 बजे करेंगे। तो गाइस और गाइस पहले बता दूँ हमारे घर में सब सो जाते हैं, व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी गाइस अभी आप लोग सीजन देख लो, मैं बड़े ही महीनों बाद व्लॉग बीच ऊपर मैंने बनाया क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो ये रहा मास्टर केज और वो दो मास्टर केज अभी भी। और तला से मैं ये पूछना चाहता था, तला ये तूने क्या करा है? तूने इसने एक महीने पहले यहाँ कुछ बीज डाल लिया था और ये उग गया। ईद का जिस दिन मेला लगा था मैं छत पर आया था, और मैं यहाँ पे ये ऐसे गेहूँ बहुत सारे पड़े हुए थे, और कीचड़ भी हो रही थी, बारिश भी आई थी चंद रात को, तो मैंने सोचा यहाँ पे बीज बो दूँ, तो उसके 15 दिन बाद ये उग गया था। और अभी देख लो देखिए गाइस भुट्टे उठते आने लगे हैं, भुट्टे उठते, लेकिन ये गर्मी के मारे सड़ गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कैंडल लेने चलते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। गाइस अभी हम लोग आ गए नीचे, और हम लोग ने पहले क्या सोचा था कि यहाँ पे करें, यहाँ शीशा अच्छा है, फिर तला पता नहीं क्या कह रहा है मेरे से। मैं कह रहा हूँ गाइस कि इसके यहाँ पे पापा सोते हैं और उसका भाई सोता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे नहीं कर सकते, नीचे करेंगे, नीचे पूरा खाली होता है, नीचे बस दादी होती है, वो दूसरे कमरे में होते हैं, वो भी 9 बजे तक सो जाते हैं। तो अभी हम लोग नीचे, मैं पूरा दिखा दूंगा कि हम लोग कहाँ करने वाले हैं, तो कैंडल लेने चलते हैं पहले। फाइनली अभी हम लोग लेकर आ गए जो हमें चाहिए था ब्लडी मैरी के लिए सामान, और अभी तला के पास है 2 कैंडल, और अभी हम लोग लेकर आए ये माचिस। तो तला कितने बजे करेंगे हम चैलेंज? 12 o'clock। अभी तो टाइम हो रहा है 6 बजने वाले, तो अभी हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे, अभी हम लोग सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉग का सामान लें, तो जब हम चैलेंज करेंगे तब ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग करने वाले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ए सफेद कपड़ा, ओ ओ ब्लडी मैरी चैलेंज पे तलहा
और अभी नीचे का प्लान हम लोग का कैंसिल हो गया था क्योंकि नीचे हम लोग नहीं कर पा रहे, नीचे की लाइट पूरी ख़राब हो गई, तो इतना मज़ा नहीं आया करने में। और मैंने अभी थोड़ा सा डेकोरेट करा घर को ताकि घर और डरावना दिखे। बाकी अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाता हूं, जैसा कि आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं 11:59 हो रहा है, तो जल्दी से अभी हम लोग करने वाले ब्लडी मैरी चैलेंज। बाकी तला तेरे को कैसा लग रहा है, डर लग रहा है? मैं तेरे गमने के आगे से अब घुसूंगा अभी नहीं, तो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा आप लोग को एक सीन दिखाता हूँ। तला याली बत्ती बंद कर, हाँ याली बंद कर दे और वो वाली खोल, याली अब वाली खोल दे। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हॉरर लाइट और पूरी खतरनाक लाइट लग रही है। और ये रहा हमारा मिरर सामने और ये रहा देखो तला। तो गाइस अभी जल्दी से अभी हम लोग सब कैंडल वैंडल लाते हैं, बिल्कुल सही सामान लाते हैं क्योंकि 12 बज गया है, तो जल्दी से सामान हम कलेक्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहली बार बोलने वाले हैं ब्लडी मैरी, तो चला मेरे साथ बोलियो 3, 2, 1 ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। क्या हो गया? बुझी थी ना ये फक, बुझी थी मैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना अभी, तो फोकस कर। कितनी बार बोला हमने? 2 बार बोला, तो शुरू से 3 बार भी बोलेगा ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। लाइट गई क्या? ए? रुक जा भाई, इसमें यूं नीचे से पकड़ लेना यार, मेरे को डर लग रहा है। लाइट गई थी क्या अभी? नहीं लाइट गई थी, नहीं गई थी, फिर लाइट गई है शायद। भाई ये क्या हो रहा है? सो गाइस लाइट चली गई है, मेरे को डर लग रहा है कसम से। बोल ना तू क्या कर रहा है, बोल लो ना, रुक जा भाई डर लग रहा है। मोबाइल हटा, मोबाइल ना लग जाएगी। आ ये गिरती तो नहीं है? सीधा पकड़ लेना, नहीं गिरेगी भाई वो। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, हां बे डर लग रहा है, ये ले पकड़ ले, हां बे डर लग रहा है भाई, हां बे डर लग रहा है, नहीं हां बे, हां बे डर लग रहा है, बत्ती जा रही है, हां बे बत्ती जा रही है, हां बे, भाई क्या है, कुछ लारा भी कुछ हुआ थोड़ी ना। गाइस पता नहीं अभी क्या हुआ था, जस्ट अभी तला के हाथ में इतनी कस के मोम गिरी और आप लोग पीछे देख सकते थे ये आली, आप लोग लाइट जो है ये लाइट अपने आप ही बंद होने लगा। फिर मैं बाहर चेक करके आया तो पता चला कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, लाइट खराब है, न्यू लेटेस्ट लाइट आज ही लगवाई हमने। और मैं अभी बाहर गया था ना, जस्ट मैंने देखा था फेस हमारा जा रहा था, तो बाद में हम लोग को थोड़ा रात हुई, आप लोग पसीना देख सकते हैं। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एसी भी फुल ऑन है, फिर भी उसके बाद हमारा ऐसा पसीना आ रहा है। तो अभी भाई तला ये वो हाथ में पहन ले, उसके हाथ में लग गई बड़े कस में, जल गया हाथ में ये पहन। सो गाइस आप लोग के लिए मैं एक और बार ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद हाँ भैया मैं कैंडल ले लूंगा, कैंडल भाई लेना पड़ेगा, बत्ती वो आएगी के वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मुस्लिम है हम, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, लेकिन बत्ती क्यों गई? वो आए ना आए, ब्लडी मैरी नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो ब्लडी मैरी आएगी भी नहीं। लेकिन मैं एक बार ट्राई करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं तला के मैंने हाथ ऊपर कर, मैंने काला कलर का कपड़ा पहना दिया है। बस गाइस आप लोग के लिए मैं एक बार और ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद मैं कसम से नहीं करूंगा। ब्लडी मैरी आ रही है, ब्लडी मैरी आखिरी बार बोले गाइस ऐसा आज तक ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। क्या कर रहा है भाई, मैं पकड़ खोल ले रहा हूं, आग लगा रहा हूं, बुझा दे। अबे हाथ तो गिर रही है मेरा बड़े कस के यार, जल्दी पकड़। हाथ पे गिरेगी तो क्या? नहीं गिरेगी तो सीधा पकड़ बस लेगा, बस सीधा रख जल्दी सीधा रख। गाइस आखिरी बार, सो गाइस आखिरी बार अभी हम लोग करने वाले हैं भाई, पसीना देख सकते हैं आप लोग कितना आ रहा है। बिस्मिल्लाह तैयार है तला यार, डर ही हो नहीं, कैमरा में कर दो, तला नहीं दिख रहा शायद।
ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो गाइस ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, मिली क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आराम नहीं आ रहा तुम लोग का? आराम नहीं क्या हो रहा है? बच्चे क्या हो रही है? तू यही पे है ना? अयान भाई, नेक्स्ट डे। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज है नेक्स्ट डे और जैसे कि आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने कर दिया ब्लडी वाली चैलेंज और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। मैं वो बात तो मैं तलक बता दी है लेकिन तलक का कल के एक्सपीरियंस पूछते हैं पहले, उसके बाद में बताऊंगा आप लोग को जो मैंने तलक की बात बताई। क्या हुआ तेरे को? रात मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं रात में कल सही था, अब मुझे बहुत घर वाला हल्ला हो चुका है गाइस, अब मैं क्या करूँ? अब कल का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये जब अचानक से वो दरवाज़ा जब पीटने की आवाज़ आई थी तो जब मैंने कैंडल बुझा के कैमरा जब गिरा दिया था गलती से तो ये कमरे से बाहर भाग गया था, ये बताया इसने क्या करा था। अब आने वाला है मेन पॉइंट कि कल मैंने क्या करा था कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है वाली वीडियो में कि जैसा कि हम लोग ने थर्ड बार ब्लडी मैरी बोला था तो बैकग्राउंड में से एक दरवाज़ा पटकने की आवाज़ आई थी तो वो क्यों आई थी कि वो भी मेरा प्रैंक कर रहा था इसको, पर इसको नहीं पता था सीरियसली। और भाई तू बैठिया अभी, तू बहुत तेरा बुखार भी अभी चढ़ रहा है, मैं बैठ गया आराम से। उसके बाद जैसे गेट पटकने की आवाज़ आई मैंने अपना कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं चला गया बाहर, और जैसे मैं बाहर गया ना मैं मेन स्विच पे गया, मैं फ्यूज़ है ना फ्यूज़ ऊपर नीचे करने लग गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लाइट ब्लिंक हो रही थी लाइट वाली, तो इस वजह से तलाक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने प्लान बहुत पहले से कर रहा था और जैसे कि आप लोग ने तलाक का रिएक्शन देख रहे थे जैसे लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, इसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक बॉम्ब रिएक्शन था। तो भाई यही मैं आपको बताना चाहता था कि ब्लडी मैरी चैलेंज कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग शायद 3 बजे करते तो क्या होता, शायद यार आ जाती और फिर ये ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता। अपलोड भी ना, और आप लोग ने मेरे को एक चीज डरावनी उसमें पूरी लगी यार, आप लोग ने चाहे नोटिस करा हुआ कि जैसे कि मैंने ब्लडी मैरी बोला बाद में मेरी कैंडल ऑटोमेटिकली बुझ गई थी, वो पता नहीं कैसे हुआ था मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया, लेकिन मैं प्रैंक के मूड में था इसलिए ज़्यादा मैं डरा नहीं था, अगर प्रैंक के मूड में नहीं होता सीरियस मूड में होता तो भाई बहुत ही ज़्यादा डर लगता। और गाइस हम दोनों को इस वजह से बिल्कुल डर नहीं लगा था, मतलब डर लगा था मैं कह रहा हूँ उतना ज़्यादा नहीं लगा था क्योंकि हम लोगों का ध्यान ब्लॉग बनाने में था। हाँ, अगर हम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे होते तो सीरियसली गाइस हम लोग डर जाते, इसलिए हम हंसी मजाक भी कर रहे थे बीच बीच में, आप लोगों ने देखा होगा ये मेरा ब्लॉग नहीं बनाया दे रहा था और बीच बीच में हंस रहा था, इसी वजह से 40-40 चैलेंज देखना चाहते हैं। अगर आप लोग को यालो में ब्लॉग देखना मजा आया, अगर आप लोग नेक्स्ट चैलेंज 40-40 के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना। एनीवेज गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।